जी हाँ दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ फोटो PNG। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐप है जिसका नाम है PixArt। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको इंस्टॉल कर लेना है और फिर इसको ओपन करते हैं। हम ओपन कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पे एक एड साइन आएगा। इससे क्या है कि हम कट कर सकते हैं अपनी फोटो को और फिर उसके बाद PNG उससे बन सकता है। तो ये ओपन हो गए, तो अब कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। नाउ हम लोग को जाना है यहाँ पर प्लस के साइन में, उसके बाद हम लोग को फिर जाएंगे एडिट अ फोटो। अगर फोटो एडिट करनी है तो फोटो पे जाइए, नहीं तो वीडियो पे कोलाज बनाना है, जो भी करना है आप जा सकते हैं ऑप्शंस के हिसाब से और अपनी नीड के हिसाब से। तो मैं जाता हूँ एडिट अ फोटो पे, उसके बाद एक फ़ोटो लिया मैंने और फिर अब हम लोगों को बनाना है इसका PNG। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कटआउट, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कटआउट का, इसको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर टू ऑप्शंस पूछेगा नीचे। तो सबसे पहले ये पूछता है आप लोगों से कि आउटलाइन करना है या फिर सिलेक्ट करके करना है। सिलेक्ट आउटलाइन में क्या है कि आपको खुद से ड्रॉ करना होगा, और सिलेक्ट करके अगर आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो अपने आप प्रो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको और ऑप्शंस भी मिलेंगे, खाली फेस, पर्सन, क्लोथ, स्काई या फिर और जो भी है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहले मैं आपको एक बार आउटलाइन करके दिखाता हूँ, फिर सिलेक्ट के हिसाब से कर दूंगा। पहले आउटलाइन कर दिया, आउटलाइन का आप साइज भी देख सकते हैं, ये आउटलाइन हमने किया, जहाँ जहाँ पर है उसी के आपको बस ट्रेस करना है बॉडी को। ये आउटलाइन हो गई है, अब देखते हैं कि कैसी हुई है। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो आप इसको इरेज कर दीजिए लाइक दिस, और यहाँ से भी और इधर से, और जहाँ जहाँ पर अब मान लीजिए ब्लैक आ गया, फिर से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और फिर इसको हम कर लेते हैं सेव। ये देखिए, ये कुछ ऐसी फ़ोटो बनकर आ गई आपके सामने, यही है PNG। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपने तो पहले सिलेक्ट करके किया था, अब हम करते हैं पर्सन को सिलेक्ट करके। यहाँ फिर से आ गए कटआउट पे, अब हम करते हैं सिलेक्ट ऑप्शन के थ्रू, सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर फिर हमसे ऑप्शंस पूछेगा कि सिलेक्ट में आपको क्या करना है, पर्सन, फेस, क्लोथ, स्काई, हेयर, बैकग्राउंड। तो मान लीजिए मैंने फेस किया तो खाली देखिए फेस हो गया, क्योंकि तो हमको चाहिए नहीं फेस, तो चाहिए नहीं, पूरा पर्सन चाहिए। अब देखिए पूरा पर्सन खुद से आ जाएगा बनकर, ये देखिए एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ये पूरा पर्सन आ गया। अब इसको कर लेते हैं हम सेव, ये बनकर आ चुका है पूरा पर्सन। वैसे जनरली पर्सन पे अगर आप कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सेलेक्ट से ज़्यादा पर्सन अच्छा रहेगा। नाउ अब हम इसको कर लेते हैं सेव। तो फ्रेंड्स, ये हमारी PNG बन चुकी है फोटो की। थैंक यू।